दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो पौधा लेके आया हूं, इसको गार्डेनिया कैरिनाटा के नाम से जाना जाता है और सुगंधित पौधों की श्रृंखला में इसका सर्वाधिक महत्व है। और ये एक प्रकार का क्लाइंबर बिल्कुल नहीं है, इसकी बहुत अच्छी हेज बनती है और ये बहुत अच्छा आकार लेता है। 5 से 6 फीट हाइट तक ये जाता है और अभी तक अपने रिसर्च वर्क में जितने मैंने पौधे पाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो खुशबू होती है वो गार्डेनिया कैरिनाटा में होती है। दोस्तों इस पौधे को तैयार करना भी बहुत आसान होता है, सिंपल कटिंग टेक्निक यूज़ करके, इसकी ब्रांचेस को कट करके, पेंसिल की थिकनेस की जो हो उनकी कटिंग काट करके आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान होता है, सिंपल यदि आपकी एसिडिक सॉइल भी है तो भी बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाता है, बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। बीच बीच में यदि आप कटाई छटाई प्रूनिंग सिंपल करते रहते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छा बुश आकृति ले लेता है। और इसका लैंडस्केप गार्डनिंग में इसका सर्वाधिक महत्व है। जिस जगह पे आप सोते हैं तो खिड़की वाला जो आपका एरिया है वहाँ इस पौधे को लगाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, वास्तु दोष को भी दूर करने में ये बहुत काम आता है। जो लोग मानसिक समस्या से परेशान रहते हैं तो उनको गार्डेनिया कैरिनाटा के जो गार्डन बना है जिसमें अधिक से अधिक इसके पौधे रोपे गए हैं उसमें उन व्यक्तियों को टहलने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। गार्डेनिया कैरिनाटा के साथ में मधुमालती आपका हो गया, मनोकामना मधुकामिनी जिसको आप बोलते हैं, इसको यदि अधिक से अधिक आप लगाते हैं तो गार्डन में 4 चांद लग जाते हैं और खुशबू से आपका गार्डन भर जाता है। सबसे बेस्ट प्लांट है खुशबू वाले पौधों की श्रृंखला में। तो दोस्तों आप गार्डेनिया कैरिनाटा को अपने गार्डन में लगाएं, इसके औषधीय गुणों का, इसके सुगंधित गुणों का आप लाभ लें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।